जी, इस वक्त मैं टंडोलियार के अंदर मौजूद हूँ। मानसून की पहली बारिश ने टंडोलियार की इंतजामिया का कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इसी साथ हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। रहीम, सब कुछ ये सामने पड़ा हुआ है, अब ये देख रहे हैं सब आवाम देख रही है, और बल्दिया के आला अफसरों ने ये बैनर्स लगा रखे हैं, शाह को साफ सुथरा रखें। साफ सुथरा कौन रखेगा? बाला अफसर, आपने नीचे कभी चेक किया है आकर ये कॉलोनियों में, मोहल्लों में? ये मेन बस स्टॉप का एरिया है, क्या हालात यहाँ पे लगे पड़े हैं कि ये कचरे सब यहाँ पे पड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट दबा के ये आपके शनाख्ती कार्ड ख़त्म हो जाएंगे, आप कोरोना की वैक्सीनें लगवाएं, खाक लगवाएं, यहाँ बदबू पानी गंदे हुए पड़े हैं। टंडोलियार के अंदर एंट्री हो एग्जिट हो यहीं से सारा सिस्टम होता है, पूरे सिंध को इसी रोड से लोग गुजरते हैं। दुनिया के जो टंडोलियार ज़िले के अंदर लोग आते हैं वो यहीं से गुजरते हैं, मेन रोड है ये, और मेन रोड की आप हालत देख लें, कुछ भी नहीं था, ये सारा टोपी ड्रामा था। जितने साइंस जिया बादशाह आया था टंडोलियार का, दूसरे मुख्तलिफ लोग भी आए थे, उन्होंने सिर्फ एक चार कागज़ रख के रोड पे उन पे झाड़ू लगाए थे, बस यही दिखाया कि हमने ये सफाई करनी है। और ये आप देख रहे पेनाफ्लेक्स लगे हुए, पेनाफ्लेक्स लगे हुए आप दिखाए उनको, लेकिन सफाई नहीं की। सिंगापुर बना रहे थे लेकिन बना नहीं। टंडोलियार बस स्टॉप से, और टंडोलियार बस स्टॉप की हालत आप ये देखें कि कितना कचरा यहाँ जमा है, और बरसात का मौसम लगा हुआ है, लेकिन बल्दिया टंडोलियार बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। काम करने की इनमें सलाहियत नहीं है या करना नहीं चाहते, तो शहर में की फ़ज़ा देखें आप कितनी ख़राब हो गई है। ये तो एक मेन इलाके की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप अगर गलियों में निकल जाएँ या महल्ले में निकल जाएँ तो आपको इससे भी बुरी हालत नज़र आएगी। जी, आपने शहरी की बात सुनी थी, शहरियों का कहना था ज़िला इंतजामिया की जाने से जो हफ्ता मुहिम इस्तार की गई थी वो भी नाकाम रही है।